चक्रामपुर नरसंहार करणी सेना ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चक्रामपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग को रोकने और पुरानी रंजिश को लेकर हुए नरसंह हत्याकांड को लेकर मंगलवार को करणी सेना ने शिवपुरी एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संतोष भदौरिया एवं समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज के लोगों ने बताया कि नरवर थाना क्षेत्र के चक्रामपुर में आशा भदौरिया, मुन्ना भदौरिया, लक्ष्मण भदौरिया, हिमांशु सेंगर 4 लोगों की कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा हत्या करने के विरोध में समस्त राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शेष अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर इनाम की राशि बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही करणी सेना ने मांग की है कि जितने भी अपराधी हैं उनके सभी के मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त किए जाएं, अपराधियों पर इनाम की राशि बढ़ाई जाए, मृतक के परिवारजनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मृतक के परिवारजनों को प्रशासनिक नौकरी दी जाए जिससे परिवार का भरण पोषण होगा, मृतक लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोष से दी जाने की मांग की है। उसके लिए करणी सेना अपराधियों को फांसी देने का मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मांग करती है। करणी सेना की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में करणी सेना आंदोलन करेगी। आज ज्ञापन दिया है, क्या मांगों लेकर करणी सेना ने ज्ञापन दिया? हमारी मांगे मुख्य रूप से हैं कि अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनको तत्काल पकड़ा जाए और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग है, सबसे पहली मांग हमारी जो है कि अपराधियों के मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त किए जाएँ, मृतक के परिवारजनों को पुलिस सुरक्षा मुहिम कराई जाए, मृतक के परिवारजनों को प्रशासनिक नौकरी दी जाए जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके, मृतक लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि मुख्यमंत्री कोष से दी जाने की करणी सेना मांग करती है। इस प्रकार आशा भदौरिया की निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर करणी सेना अपराधियों को फांसी देने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से मांग करती है। करणी सेना की मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम यहीं बैठने वाले नहीं है, भोपाल में लाल परेड चौराहे पर संपूर्ण करणी सेना मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी। कितने दिन का अल्टीमेटम आपने दिया है? हमारे 15 दिन का अल्टीमेट है, अभी आके एसपी साहब को हमने लोग ज्ञापन दिया है और बताया है, जहाँ तक हमारी आधी से ज़्यादा मांगे मान भी ली गई हैं और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो बची हुई मांगे कलेक्टर साहब महोदय के जरिए माननीय सीएम साहब से बात होने के बाद जो 2-3 मांगे हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगे।